खबर आ रही है। प्रसूता की मौत के बाद डॉक्टर ने सुसाइड किया है, लाल सोट से खबर आपको बता रहे हैं। आनंद हॉस्पिटल की हॉस्पिटल संचालिका ने सुसाइड किया है। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अर्चना शर्मा ने सुसाइड किया है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजस्थान के लालसोट से प्रसूता के परिजनों ने डॉक्टर पर हत्या का आरोप लगाया था, जिससे आहत होकर ये कदम उठाया गया है। प्रसूता की मौत के बाद डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया है। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने हनुमानगढ़ का दौरा किया। बाल संरक्षण आयोग अध्यक्षा ने जंक्शन में बाईपास पर स्थित बेबी हैप्पी कॉलेज परिसर में आयोजित चुप्पी तोड़ो हमसे कहो विषय पर आयोजित बाल संवाद एवं जन जागृति कार्यशाला में भाग लिया। मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए उन्होंने कहा कि नशे की प्रवृत्ति को लेकर बाल आयोग चिंतित है। नशे पर अंकुश लगाने को लेकर युवा वर्ग अपने घर से, अपने गाँव से या पड़ोस से शुरुआत करे, न खुद नशा करे और न ही किसी अन्य को करने दे। बेनीवाल ने कहा कि हर जिले में विजिट के दौरान वहां अलग तरह की समस्याएं सामने आती हैं। हनुमानगढ़ जिले में नशे की समस्या सामने आई है। नशे पर अंकुश को लेकर बजट में माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने कहा कि बच्चों के अधिकारों के बारे में बात करना एवं उनका संरक्षण करना बेहद जरूरी है। इसमें केवल एक व्यक्ति कार्य नहीं कर सकता, इसमें सभी की भागीदारी काफी आवश्यक है। संग्रिया, हनुमानगढ़, रावतसर और कई ग्रामीण क्षेत्र में जाना हुआ। ज़्यादातर यहाँ पर जिस तरह से नशे को लेकर हमारे बीच में समस्याएं सुनने में आई, और साथ ही साथ ईंट भट्टों पर जो काम करते हैं श्रमिक, उनके बच्चों के शिक्षा को लेकर जो समस्याएं हमारे सामने निकल कर आई, और इस तरह की बातें हमारे सामने आई। जो साथ ही में अस्पताल का दौरा किया संग्रिया में, जहाँ पर कोई भी लेडी डॉक्टर गायनोलॉजिस्ट नहीं है, ये समस्याएं हमारे सामने निकल। खबर लक्ष्मणगढ़ से है, हिंदू नव संवत्सर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर 2 अप्रैल को विशाल भगवा रैली निकाली जाएगी। रैली को लेकर पोस्टर्स, पंपलेट्स व स्टिकर्स का विमोचन किया गया। भगवा रक्षा वाहिनी के स्थानीय कार्यालय में बैठक हुई, जहां विभिन्न हिंदूवादी संगठनों और अन्य सामाजिक व स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में प्रचार सामग्री का विमोचन किया गया। रैली लाल कुआं दुर्गा पूजा स्थल से रवाना होकर कस्बे के मुख्य मार्गों में भ्रमण करते हुए वापस घंटाघर के पास खत्म हुई। समिति के अध्यक्ष जयशंकर पुजारी और संयोजक अमित जोशी ने बताया कि इससे पूर्व दिव्य अलौकिक शक्ति सलासर बालाजी महाराज के दरबार सहित नगर के मुख्य मंदिरों में देवी देवताओं का आह्वान किया गया। गौ माता की पूजा कर गौवंश को हरा चारा गुड़ खिलाकर रैली की सफलता की कामना की गई। विशाल भगवा रैली दिनांक शनिवार 2 अप्रैल 2022 साइन 2 बजे से, स्थान घंटाघर लक्ष्मणगढ़ से भव्य शुभारंभ, और भगवा रक्षा वाहिनी समस्त हिंदू संगठन एवं राम भजन लक्ष्मणगढ़ की तरफ से ये रैली आयोजित की जाएगी, और इसमें समस्त हिंदू संगठन भाग लेंगे सर्वसम्मति से। आज वो पोस्टर का विमोचन किया गया, क्या किस प्रकार से रहा आज का कार्यक्रम? ये पोस्टर विज्ञापन के लिए है और साथ ही विशाल भगवा रैली है। खबर राजस्थान के सिकराय से है, सिकराय उपखंड क्षेत्र में शहर करैया ढाणी में आग से पीड़ित परिवार की आर्थिक स्थिति को देखकर सर्व समाज के लोगों के मन में सेवा की भावना को लेकर जगी अलख से सोशल मीडिया पर मिशन चलाकर इकट्ठा हुई 1,30,500 रुपये की राशि पीड़ित परिवार को सौंपकर अभियान का समापन किया गया। इस दौरान धनराशि को पीड़ित मीना देवी व छोटू मीणा को सौंपते हुए कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष शिवराम मीणा ने कहा कि इस तरह की मुहिम चलाकर मदद करना सर्व समाज के लोगों की अच्छी सोच है। सिकराय गांव के शहरा करैया ढाणी में कुछ दिन पहले शॉर्ट सर्किट से एक घर में आग लग गई थी, जिसके कारण घर में कई मवेशी जल गए थे। खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां व्यापार संघ व ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन नोहर की सामूहिक बैठक का
आयोजन ग्रैंड मर्चेंट भवन नोहर में किया गया। ग्रैंड मर्चेंट एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष ओम प्रकाश सुथार ने प्रेस वार्ता में बताया कि दोनों संगठनों की सहमति से इस बैठक का आयोजन किया गया है। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने संगरिया में सामुदायिक चिकित्सालय केंद्र, पुलिस थाना और आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। सीएम साहब के पास कल ही पहुंच गए और फाइनल बुलेटिन में फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।